ये एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमैनिटी ह्यूमन जो है स्टैंडर्ड हमारे देश का है, हमारे स्टेट का है, वो बढ़े। और वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी हो, और जो हम लोग त्यौहार या जो चीज़ हम लोग जो पर्व हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो इस तरह से सेलिब्रेट करें कि भाईचारगी की फ़जा कायम रहे और हम लोग एक अमन चैन और सुकून के साथ कोई भी पर्व या त्यौहार को मनाएं, जिससे कि इंसानियत खुश रहे, कोई भी शर्मिंदा ना हो जाए। कोई ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए जिससे इंसानियत, कोई भी इंसान हो, वो दुखी हो जाए या शर्मिंदा हो जाए। ये बेसिक फंडा है जैद भाई का, जितना भी वो काम कर रहे हैं ये उनका बेसिक फंडा है। हमारे सारे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, सबको ईदुज़्ज़ोहा यानी बकरीद की मुबारकबाद। आइए हम सब मिलके ईदुज़्ज़ोहा को ठीक से मनाएं और सेलिब्रेट करें, उसी तरह से जिस तरह हम लोग सब मिलकर के दुर्गा पूजा और काली पूजा वगैरह मनाते हैं, जिस तरह से होली मनाते हैं, आइए ईदुज़्ज़ोहा भी मनाएं। और कोशिश करें कि हम लोग अपना पर्व त्यौहार मनाते वक्त दूसरे के उस सेंटिमेंट को ज़रा सा भी हर्ट नहीं करें। और ख़ासकर मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि एक मुसलमान होने के नाते हमें हमारे प्रॉफिट ने ये समझाया है कि दूसरे के जज्बात को ज़रा सा भी ठोकर ना पहुँचाए, ठेस ना पहुँचाए। यही मेरा पैगाम है सबके लिए। पहली बात, तमाम हजरात को, तमाम जितने भी बरादरान वतन हैं, तमाम हजरात तमाम को ईद कुर्बानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। और ये ईद सुन्नत इब्राहिम है, और आप जैसा कि मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं, जिस तरह हम नमाज़ पढ़ने एक जगह जाते हैं, जिस तरह नमाज़ पढ़ने हम एक जगह जाते हैं, जिस तरह हम जानवर खरीदने के लिए एक जगह जाते हैं, तो जानवर काटने के लिए एक जगह क्यों नहीं बनाया जाए। उससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा और लोगों को जॉब भी मिलेगा और एक गंदगी इससे ख़त्म होगा जो छोटे छोटे तबके में लोग करते हैं। इससे हमेशा एक पैनिक रहता है, हर साल ही कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो क्यों नहीं एक सिविलाइज सोसाइटी, कंप्लीट सोसाइटी बनाया जाए। इसी बात जैसे हम नमाज़ पढ़ने एक जगह ईदगाह जाते हैं, जानवर लेने के लिए एक जगह होता है पर्टिकुलर, तो कुर्बानी के लिए भी एक जगह होना चाहिए। और उसी पर कितने भी मुसलमानों को जॉब मिलेगा उस बहाने, और गवर्नमेंट अगर उस पर रजिस्ट्रेशन कराता है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है, इससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। ये हमर फाउंडेशन, ये ज़्यादा दिनों की तंजीम नहीं है, ये कुछ ही महीनों में ये तंजीम आई है। और जैद अनवार के मातहत इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनका बस एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान में अमन अमान रहे और हिंदू मुस्लिम जितनी भी कौमें हैं इनके अंदर एकता रहे, इत्तहाद रहे, और इसी के लिए वो काम करते हैं। कहीं पर भी अगर वो काम करते हैं, यतीमों की मदद हो, गरीबों की मदद हो, बेसहारों को सहारा देने की बात हो, तो वो उसमें कभी हिंदू मुस्लिम का कलर देखते नहीं हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो एक इंसान है और इंसान की औलाद है और उसकी मदद करनी चाहिए, और ये बग़ैर किसी शोहरत के ये काम ये कर रहे हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने जो यतीमों के साथ ईद मनाया है, लोग मनाते हैं ईद, लेकिन यतीम बच्चों के साथ जो ऑर्फेंस हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनके साथ जो उन्होंने ईद मनाया है, इट वॉज़ एन एग्ज़ाम्पल।